हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी की डिमांड पर आज के वीडियो में डाटा एंट्री कोर्स की फुल डिटेल लेकर आया हूं। दोस्तों, जब हम किसी टेक्स्ट को कंप्यूटर की मदद से किसी डॉक्यूमेंट में पुट करते हैं, उसे डाटा एंट्री कहते हैं। डाटा एंट्री कई अलग अलग माध्यम से की जाती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, डॉक्स सॉफ्टवेयर से, और इसके अलावा बैंक के कुछ सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिनसे डाटा को एंटर किया जा सकता है। इसीलिए जरूरी है कि आपको किसी डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी हो, जिससे आप किसी भी बैंक, स्कूल, कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन में डाटा एंट्री का काम करके अच्छे पैसे अर्न कर सकें, या फिर खुद अपना डाटा एंट्री का काम स्टार्ट कर सकें मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से। वैसे भी आजकल हर कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत होती है, इसीलिए आज के वीडियो में आपको कुछ डाटा एंट्री का काम सिखाऊंगा। साथ ही ऐसे गवर्नमेंट एफिलिएटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बताऊंगा, जिससे कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ आवर के डाटा एंट्री सर्टिफिकेट कोर्स और ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। और मैं आपको बीच में नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अभी जॉब की बहुत जरूरत है। इसीलिए आज के वीडियो में ये भी देखेंगे कि डाटा एंट्री में कहां कहां जॉब की रिक्वायरमेंट होती है और आप उसे कैसे ढूंढ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी की फुल डिटेल वीडियो में देखते हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेते हैं, आइए सीखना शुरू करते हैं। हर ऑफिस की तरह ही मेरे ऑफिस में भी कई तरह के डाटा एंट्री के काम आते हैं, जिन्हें स्टाफ मेंबर करते हैं और ज्यादातर काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर होता है। तो अब हम डाटा एंट्री की शीट पर हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर हैं, जहां पर हमें फॉर्मेट की एंट्री करना है। जो काम अभी रिसेंटली हो रहे हैं किसी भी ऑफिस में, उन्हीं में से एक फॉर्मेट की डाटा एंट्री मैं अभी आपको करके बताता हूँ। इस फॉर्मेट में काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि सीरियल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट्स, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अब इस डाटा की एंट्री हमको करना है, तो एक्सेल के इस पेज को समझ लेते हैं। एक्सेल में इसको रिबन कहते हैं, इसे फॉर्मूला बार कहते हैं, इसे कॉलम और इसे सेल कहा जाता है। तो अब हम यहाँ पहले टाइटल डाल देते हैं, रजिस्ट्रेशन डाटा एंट्री। ये मैंने यहाँ पर एंट्री कर दी है, टाइटल दे दिया है। तो पहले कॉलम में लिखते हैं सीरियल नंबर, इसके बाद नेम, और इसके बाद हमको लिखना है डेट ऑफ बर्थ। फिर टैप कर दीजिए और टाइप किया एड्रेस, इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहां लास्ट कॉलम है रजिस्ट्रेशन डेट का, तो रजिस्ट्रेशन डेट मेंशन कर दिया। इस तरह से टाइप कर दिया मेनू और रजिस्ट्रेशन टाइटल। यहां पर कुछ वर्ड ओवरलैप हो रहे हैं, ये देखिए, तो आप यहां पर डबल क्लिक से छोटा या बड़ा कर सकते हैं कॉलम को। डबल क्लिक आपको माउस से करना है, या फिर इस तरह से खींच कर सेल को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सेल को रख सकते हैं। अब अगर सारे वर्ड्स को बीच में करना है, सेंटर करना है, तो इस जस्टिफिकेशन ऑप्शन से सेंटर कर सकते हैं इस तरह। चलिए अब एंट्री करते हैं डाटा की। तो सबसे पहले सीरियल नंबर टाइप करते हैं। यहां मैंने पहले दो नंबर टाइप कर दिए हैं, 1 और 2। अब देखिए इन दोनों नंबर्स को सिलेक्ट करना है, ये हो गया सिलेक्ट। और इस कॉर्नर पॉइंट को पकड़कर जितने नंबर फीड करना है उतना सेल खींच दीजिए, तो आपको टाइप नहीं करना पड़ेंगे, नंबर सीधे नंबर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये देखिए, बस ये ध्यान रखना है कि पहले मिनिमम दो नंबर तो टाइप करना ही है। कॉलम को माउस की हेल्प से सिलेक्ट कर लिया और यहां से सेंटर कर लिया। अब दूसरे कॉलम में नाम टाइप कर लेते हैं जो शीट में हमें दिए हैं। ये है कुछ नाम, टाइप कर लिए इस तरह से, तो ये नाम टाइप हो चुके हैं, कुछ नाम टाइप हो चुके हैं। अब इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ टाइप करते जाइए। इस तरह से मैंने एक फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ टाइप कर दिया, और जो कीबोर्ड में टैब का ऑप्शन होता है उस टैब से आगे बढ़ते जाइए नेक्स्ट सेल में। फिर एड्रेस टाइप कीजिए और बिलो एरो से नीचे आते जाइए। ये एड्रेस टाइप हो गया कुछ नाम के सामने। अब रजिस्ट्रेशन नंबर को टाइप करते हैं,
सारे एंट्री के सामने मींस नाम के सामने सामने हमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी टाइप करते जाना है। फिर लास्ट में रजिस्ट्रेशन डेट को टाइप कर देते हैं, जिस तरीके से हमने DOB को ऐड किया था उसी फॉर्मेट में कर लेते हैं। आप कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं। ये डेट भी सीरियल नंबर से ही टाइप करना है। तो मैं जल्दी जल्दी फुल एंट्री कर देता हूँ। अब ये देखिए, तो इस तरह से हमारी दी गई डाटा एंट्री कंप्लीट हो गई है। आप जितनी चाहे एंट्री कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है एक्सेल में। अब एडजस्टमेंट कर लेते हैं शीट को, मतलब ठीक कर लेते हैं, जिससे बकायदा हम बता सकें इसको कहीं पर भी। यहां पर टाइटल को सेंटर में लाते हैं, सिलेक्ट किया टाइटल और इस मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन को पिक किया। देखिए, ऐसा करने से टाइटल बीच में आ गया है। टाइटल को बोल्ड ऑप्शन से बोल्ड कर सकते हैं, इन ऑप्शन से छोटा या बड़ा साइज कर सकते हैं फॉन्ट का, यहां से कोई भी कलर दे सकते हैं फॉन्ट को। ये देखिए, अब टेबल जैसा शेप देने के लिए इन सभी सेल को माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके सिलेक्ट किया, उतनी ही सेल को पिक किया जिसमें डाटा फीड है, सिलेक्ट हो गया। और यहां बॉर्डर ऑप्शन पर जाकर के ऑल बॉर्डर ऑप्शन को पिक करने से ही ये पूरी सेल में फुल बॉर्डर आ जाएगी। ये देखिए, डाटा एंट्री के मेनू बार को बोल्ड कर दीजिए, टाइटल को अलग से कलर दे दिया। अब जितना चाहे आप इस शीट को एडजस्ट कर सकते हैं आपकी क्रिएटिविटी से। इसके बाद यहां से आप फाइल को सेव कर सकते हैं या प्रिंट ऑप्शन से डाटा एंट्री शीट का प्रिंट ले सकते हैं, इन ऑप्शन की हेल्प से, जिनसे आप इस तरह का एक प्रिंट ले सकते हैं किसी भी साइज में। तो दोस्तों, ये तो एक बेसिक डाटा एंट्री शीट हमने बनाया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से। यही प्रोसेस होता है सभी तरह के डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर में काम करने का। इसी तरह से जो भी डाटा एंट्री आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर रहे थे, वही आप ऑनलाइन ही गूगल डॉक्स से भी कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी सॉफ्टवेयर की नीड नहीं होती और आप मोबाइल से भी कर सकते हैं इस डाटा एंट्री के काम को। आइए देखते हैं। ऑनलाइन एंट्री के लिए आपको क्रोम पर टाइप करना है डॉक्स और सर्च करने से आपको ये लिंक मिली। इसे सिलेक्ट करने से आप इस पेज पर आ गए। यहां पर आपको गो टू डॉक्स पर पिक करना है। तो आप अपने जीमेल के अकाउंट पर आ जाएंगे। यहां आप अपना जीमेल का आईडी और पासवर्ड डाल दीजिए और लॉगिन करते ही आप पहुंच गए मेन पेज पर। यहां से शेप दिखेगा आपको। आप इन तीन लाइनों को पिक करेंगे तो आपको अब यहां डॉक्स, शीट, स्लाइड हर आइटम मिल रहा है। मैं अभी शीट पर पिक करूंगा बिकॉज ये एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसा ही है। तो ये पेज ओपन हुआ। अब आपको एक्सेल जैसी शीट के लिए नीचे राइट कॉर्नर में ये देखिए, हाँ, प्लस के साइन को पिक करना है। तो ये पेन जैसा बन जाएगा। इसे पिक किया तो अब यहाँ पर एक्सेल जैसा पेज आ गया। अब आप यहाँ पर काम कर सकते हैं ऑनलाइन ही। कोई नीड नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। आप यही काम करते हुए ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं और यही होता है ऑनलाइन वर्क मोबाइल या लैपटॉप या PC से। आप यहीं से डाउनलोड या शेयर कर सकते हैं किसी को भी डाटा एंट्री शीट। तो जिस तरह से अभी हमने एक्सेल पर वर्क किया था, वैसे ही हम यहां पर भी कर देते हैं। पहले टाइटल को टाइप कर देते हैं। ये देखिए, मैंने टाइटल को यहां पर टाइप कर दिया है। इसके बाद कॉलम में सीरियल नंबर टाइप किया, अब नाम दिया और इसके बाद टाइप करते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। और मान लेते हैं कि ये कोविड वैक्सीनेशन की शीट है तो वैक्सीन डेट लिया। अब जैसे एक्सेल में किया था टाइटल को मर्ज करने के लिए, तो ये है मर्ज का ऑप्शन। यहां पर इस तरह से पिक करके मर्ज किया। सेंटर करने के लिए इस ऑप्शन को लिया, सेंटर किया। कलर देने के लिए यहां से कलर दे दिया। फॉन्ट कलर यहां से दे सकते हैं और यहां से बोल्ड कर सकते हैं। सीरियल नंबर नेम को बीच में कर सकते हैं यहां से। सेम एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दो नंबर के बाद ड्रॉप करने से नंबर आ गए ऑटोमेटिकली। ये देखिए, यहां नाम टाइप कर देता हूं मैं जल्दी जल्दी। ये सारे नाम टाइप हो गए और यहां रजिस्ट्रेशन नंबर पिक किया और यहां वैक्सीन की डेट भी सिलेक्ट कर लिया है। और ये पूरी एंट्री हो चुकी है। इस तरह से हमने ऑनलाइन ही डाटा एंट्री का काम कर लिया है। तो मान लिया कि जो हमें दिया गया था वो पूरी डाटा एंट्री का काम हमने कर लिया है। अब आप एडजस्ट कर सकते हैं डाटा को। हमने इसे सिलेक्ट कर लिया और सेंटर कर लिया। अगर बॉर्डर देना है डाटा को तो आप इस ऑप्शन को पिक करेंगे और बॉर्डर दे सकते हैं। फुल बॉर्डर लिया, यहां से बोल्ड कर लिया
और ये पूरी तरह से एडजस्ट कर लिया है। अब ये पूरी तरह से डाटा एंट्री शीट बन गई है और अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरह से सेव है। आपके काम करते करते हर चीज सेव हो गई थी, बस इंटरनेट जब तक चलता है आप कर पाएंगे ये काम मोबाइल या लैपटॉप या पीसी से। यहाँ से आप इस फाइल को टाइटल दे सकते हैं, जैसे यहाँ नाम दे दिया डाटा एंट्री वर्क। यहाँ पर फाइल ऑप्शन से आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं इस फाइल को। यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे तो किसी को भी शेयर हो जाएगी फाइल, जैसे आप ईमेल करते हैं। यहाँ से शीट का लिंक कॉपी करके किसी को भी सेंड कर सकते हैं या आप कहीं भी इसे पेस्ट करके ओपन कर सकते हैं। फाइल ऑप्शन से आप नई फाइल ले सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं इस फाइल को, एक्सेल में, डॉक्स में या किसी भी फॉर्मेट में। चाहे तो आप प्रिंट ले सकते हैं, किसी को भी दिखा सकते हैं। ये देखिए प्रिंट का ऑप्शन आया और जिस भी साइज में प्रिंट चाहिए ले सकते हैं। यहाँ से अभी मैंने कैंसिल कर दिया है। ये पूरी तरह से सिक्योर है और पूरी तरह से डाटा ऑटोमेटिकली ऑनलाइन सेव हो चुका है। जो भी काम किसी भी डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं वही यहाँ पर भी आप कर पाएंगे। आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं अपने जीमेल को, या फिर इस ऑप्शन से आप वापस अपने पहले ऑप्शन पर आ सकते हैं और इसे सिलेक्ट करके कभी भी अपनी फाइल को ओपन करके कहीं से भी आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। ये तो थी डिटेल कि किस तरह से आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। अब हम उन प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं जिनसे कि आप डाटा एंट्री के सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट और बड़ी कंपनी से ऑफर किए जाते हैं, तो आइए डिटेल देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है स्वयं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा फ्री ऑनलाइन एजुकेशन इनिशिएटिव है। यहाँ पर अभी डाटा एंट्री के लिए एक कोर्स है जो कि 24 हफ्तों का कोर्स है और ये कोर्स 1 अप्रैल से शुरू हो गया है और आप 30 सितंबर 2021 तक ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोर्स को सिलेक्ट करने से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी और सबसे नीचे सर्टिफिकेट की भी फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सबसे ऊपर इस ज्वाइन ऑप्शन को क्लिक कीजिए। इससे हम लॉग इन पेज पर हैं। अब आप जीमेल से लॉग इन कर लीजिए। जीमेल को पिक किया तो अब जीमेल के लॉग इन पेज पर अपना ईमेल और पासवर्ड डाल दीजिए। ऐसा करने से आप एक प्रोफाइल पेज पर हैं जहां पर आपको अपनी डिटेल देना है और फिर नीचे इन दोनों ऑप्शन को पिक करने के बाद रिव्यू एंड ज्वाइन कोर्सेज ऑप्शन को क्लिक कीजिए। इससे आप कोर्स के पेज पर हैं और आपको यहां पर लेफ्ट में सारे वीक्स के पीडीएफ और वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे जो अभी तक हो चुके हैं। कुछ वीक में आपको पढ़ चुके लेक्चर के क्विज मिलेंगे और इन क्विज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इनमें से ऑप्शन पिक करना है और लास्ट में सबमिट करना होता है। इसी तरह से हर एक लेसन का आपको क्विज सबमिट करना होगा। ये कोर्स में अभी और भी क्विज अपडेट होंगे। 30 सितंबर तक आपको कोर्स पूरा मिलेगा। सर्टिफिकेट्स के लिए भी स्वयं के एग्जाम होते हैं जिसके बाद ही सर्टिफिकेट मिलते हैं। इस एग्जाम की इंफॉर्मेशन 30 सितंबर यानी कोर्स एंड होने के बाद मिलेगी। स्वयं पर पूरी डिटेल के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे आप डाटा एंट्री कोर्स करके सर्टिफिकेट ले सकते हैं, वो है ई-लर्न मार्केट्स। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ एडवांस्ड एक्सेल का कोर्स मिल जाएगा और जो नहीं जानते उन्हें ये जरूर जान लेना चाहिए कि एक्सेल ही वो टूल है जिसे आप डाटा एंट्री में यूज करते हैं। तो आपको ये सर्टिफिकेट कोर्स डाटा एंट्री में भी काम आएगा। तो ये कोर्स वैसे तो 1475 रुपयों का है, पर आप अजय 100 कूपन कोड का यूज करके इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इस तरह का सर्टिफिकेट ले सकते हैं जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में काम आएगा। इसे हर एज का इंसान कर सकता है। इस कोर्स को करने की कंप्लीट डिटेल पर एक वीडियो बना हुआ है, तो आप देखकर आसानी से इस कोर्स को कर पाएंगे। तीसरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है NQR यानी नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर। यहाँ से आप 135 घंटों का फुल टाइम सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, जिसका सर्टिफिकेट भी आपको गवर्नमेंट ऑथराइज मिलेगा NIELIT से। इसका पूरा सिलेबस, लेसन प्लान, असेसमेंट और कोर्स करने की डिटेल वेबसाइट पर मिल जाएगी। फोर्थ ऑप्शन में आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म मिलेगा जो कि है LinkedIn लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको डाटा एंट्री के 521 से भी ज्यादा कोर्स मिल जाएंगे जिन्हें आप पिक करके अपने पहले फ्री मंथ के ऑप्शन से कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स का मॉड्यूल आपको राइट साइड में मिल जाता है और कोर्स होने पर इस तरह का सर्टिफिकेट मिलता है। इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं। और फिफ्थ ऑप्शन में आपको एलिसन से फ्री सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। इसमें आपको लेटर ऑफ कंप्लीशन फ्री मिलता है। यहाँ पर आपको नीचे बहुत सारे डाटा एंट्री कोर्स मिलेंगे
आप स्टार्ट नाउ को पिक करेंगे और अपने जीमेल से लॉगिन करेंगे तो फिर ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। इस पर भी वीडियो देख पाएंगे आप अजय क्रिएशन चैनल पर। दोस्तों अब बात कर लेते हैं डाटा एंट्री से रिलेटेड जॉब्स की। अब जबकि आपको एक्सेल और डाटा एंट्री का ऑफलाइन और ऑनलाइन नॉलेज हो गया है और सर्टिफिकेट्स भी हैं आपके पास, तो अब हम जॉब में अप्लाई कर सकते हैं और हमें जॉब मिलेगी। बस ये ध्यान रखिए कि आप पैसे मत दीजिए जॉब लगवाने के लिए, चाहे कोई कुछ भी लालच दे। तो जॉब कैसे सर्च और अप्लाई करना है, इसके लिए मैं अभी आपको तीन ऑनलाइन तरीके बता रहा हूँ। जॉब के लिए पहला है, क्रोम पर टाइप कीजिए जॉब्स नियर मी। सर्च करने से आपको अपने आसपास की जॉब दिखने लगेगी, यहाँ नीचे पिक कर देंगे तो और भी जॉब्स हैं। अब आपको करना यह है कि सर्च ऑप्शन बार पर टाइप कीजिए डाटा एंट्री जॉब्स नियर मी। तो अब आपके घर के आसपास की जॉब्स जो कि डाटा एंट्री से रिलेटेड है वो मिलेगी। अब आप जिस जॉब में पिक करते हैं वो यहाँ मिलती है और आप इस ऑप्शन को पिक करते हुए पर्टिकुलर वेबसाइट पर अकाउंट बनाकर अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जॉब में। इसके बाद आप shine.com से ढूंढ सकते हैं जॉब को। आपको पहले अपना अकाउंट बनाना है, सारी डिटेल देकर के अपना रेज्यूमे भी ऐड करना है। इसके बाद सर्च बार से डाटा एंट्री जॉब को ढूंढना है और जिस जॉब में एलिजिबल है उसके अप्लाई बार से डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह से monster.com से भी आप अपने लिए जॉब को ढूंढकर डाटा एंट्री की जॉब में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि कुछ लोग फ्रॉड कॉल करते हैं किसी भी वेबसाइट से आपका नंबर लेकर के, तो बिना सोचे समझे लिंक को क्लिक ना करें और पैसे नहीं देते किसी जॉब के लिए। साथ ही अपने पेरेंट्स की भी सलाह लीजिए किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों ये है कंप्लीट डिटेल जिसमें हमने डाटा एंट्री करना सीखा, उसके बाद फ्री सर्टिफिकेट कोर्स को करना सीखा और जॉब भी ढूंढे डाटा एंट्री के साथ और साथ में अप्लाई भी किया। अब आप कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सोशल मीडिया से अजय क्रिएशन से जुड़िए और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।